नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे पहचाने प्लास्टिक का नकली चावल। जी हाँ, आपको प्लास्टिक का नकली चावल पहचानने के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप देश दुनिया से रिलेटेड या किसी भी टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि आपके आसपास की ही वीडियो होंगी, और अगर आप उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी के वीडियोस हैं या फिर आप सेहत से रिलेटेड वीडियोस हैं, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपको मैं एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ। उसका नाम है विजन 360। इस चैनल पे आप जाएं और इस पे आपको सभी तरीके के वीडियोस मिलेंगे। इस पे क्लिक करके आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। आपको इस चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। वहाँ से आप जाकर इस चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस देखें। आते अपने टॉपिक पर, नकली चावल यानी कि प्लास्टिक के चावल को कैसे पहचानें। चंद रुपयों के लालच में मिलावटखोर व्यापारी आपकी जान से खेल रहे हैं। बिल्कुल सही जानकारी तो हासिल नहीं हो पाई है, मगर कहा जा रहा है कि यह चावल आलू, शकरकंद और प्लास्टिक को मिलाकर बनाया जाता है। YouTube पर कुछ वीडियो हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि नकली चावल कैसे बनाते हैं, मगर यह वीडियो कितने सच्चे हैं ये आप खुद ही देखकर पहचान सकते हैं। नकली चावल की पहचान कैसे करते हैं, अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। नकली चावल देखने में काफ़ी चमकीले होते हैं। अगर दो तरह के नकली चावलों को आपस में मिलाया नहीं गया है तो सारे चावलों का आकार और मोटाई एक जैसी होगी। अगर आप इस चावल को तौल कर लेंगे तो असली चावल के मुकाबले यह नकली चावल आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसका वजन असली चावल के मुकाबले नकली चावल का वजन थोड़ा हल्का होता है। असली चावल जो होती है उसमें धान या भूसी मिल ही जाती है, लेकिन नकली चावल में नहीं मिलती है। पकते वक्त इसे सूंघने पर आपको अंतर पता लग जाता है। प्लास्टिक की तरह ही यह महकेगा, और असली चावल आपको अब तो खाते ही होंगे, असली चावल किस तरीके से महकता है आप जानते ही। काफ़ी देर पकाने के बाद भी यह ठीक से पकता नहीं है। जो नकली चावल होता है उसको काफ़ी देर पकाइए, उतनी अच्छे से पकता नहीं है। इस चावल में माड़ पर सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। अगर नकली चावल आप बनाते हैं तो उसे सफ़ेद रंग की परत मिलेगी, अगर आप उससे माड़ निकालेंगे तो उस पर सफ़ेद रंग की परत मिल जाएगी। अगर इस परत को धूप में रख दिया जाए तो ये प्लास्टिक बन जाएगा जिसे जलाया जा सकता है। यह चावल पानी में तैरता नहीं है क्योंकि यह 100% प्लास्टिक नहीं होता है, और आलू शकरकंद भी इसमें मिला होता है। इसी प्रकार से आप देसी जिस घी और अगर आप केसर को भी पहचानने का तरीका जानना चाहते हैं तो हमारे आपको मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आप वहाँ पे एक छोटा सा लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसमें आपको मैं केसर और देसी घी और शहद को शुद्धता पहचानने के बारे में बताया है। अब उस पर भी आप क्लिक करें और देख सकते हैं कि आप देसी घी शुद्ध और या फिर शहद या फिर केसर की शुद्धता को कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके नकली और प्लास्टिक के चावल को पहचानने के। अगर आप भी घर में चावल बाहर से खरीद कर लाते हैं तो आप भी इन तरीकों से नकली और प्लास्टिक चावल की पहचान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप भी घर पर प्लास्टिक के चावल को पहचानेंगे और उसके खाने से बचेंगे ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देसी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।